Good evening, and I welcome you all to An Academy platform. So class, how are you all? As you all know, जो बच्चे मेरी regular classes देखते हैं, they know कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, right? वो क्या cover कर चुके, they know. लेकिन जो बच्चे नए बच्चे आए हैं, जो first time classes देख रहे हैं, so it's okay. We will see what we will be studying today. As आप background देख सकते हो. बैकग्राउंड से यू कैन गेस अ लिटिल बिट कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. यस क्लास, हम केमिस्ट्री पे भी फोकस कर रहे हैं. वैसे मेनली हमारा जो साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो तीन सब्जेक्ट्स आते हैं, सब सब्जेक्ट्स, उसके अंदर राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ओनली केमिस्ट्री पार्ट. ठीक है, केमिस्ट्री में हम ऑलरेडी एक चैप्टर कवर कर चुके हैं. सेकेंड चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट कवर होने वाला है. टूडे वी आर डिस्कसिंग about the processes of you know separating mixtures. So वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. बट इट्स ओके अगर पहले वाली क्लास नहीं लगाई है, हम आज की क्लास में बहुत अच्छे से, बहुत attentively हम सारे सुनेंगे, right? Because it will going to be very interesting. Trust me, हम experiments करेंगे. Interesting यही होता है, right? आप बुक से तो आप भी पढ़ लोगे, लेकिन साइंस का सबसे मजेदार, सबसे मस्त चीज यही होती है, एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट्स एक सब्जेक्ट को क्या बना देता है, फन एंड इंटरेस्टिंग, राइट? सो वी विल बी डूइंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड वी विल बी लर्निंग. देखना आप फोकस, आपको ऐसा भी नहीं होगा कि मैम अभी हमें याद करना, अभी आप बैठे हो याद करने के लिए. नो, जस्ट बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स यू विल लर्न बाय दिस. ओके क्लास, सो आई होप यू ऑल विल बी वेरी अटेंटिव. And with this good note, इसी ही अच्छी बात से, that हम experiment से, meaningful learning पे focus करते हुए अपना session start करेंगे और end भी करेंगे, right? Okay class, so I'll you know I expect that you all will be there with me throughout the session. So class, today we will be focusing on chapter number 2, जिसका नाम है is matter around us pure. क्या जो मैटर है हमारे, आप सबको पता है, आई एम डैम श्योर आपको पता होगा कि मैटर क्या होता है. मैटर आसपास में जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, वो सब मैटर है. सो क्या वो प्योर है? एज इन मैटर, जो भी चीज आपके जो स्पेस और मास ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं. क्या वो प्योर है? क्या वो प्योर है, क्या मतलब है मेरा प्योर से, राइट? अगर आपने, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, अगर आपको अभी आइडिया नहीं आ रहा है कि मैम प्योर क्या बोल रहे हैं, सो आप मेरे ऑलरेडी यू नो आई ऑलरेडी टुक 3 क्लासेस ऑन दिस सेम चैप्टर. आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, मेरी रोज क्लासेस 5 o'clock क्लास अपार्ट चैनल पे ही होती है. तो आप मेरी क्लासेस यू नो इसी चैप्टर का, चैप्टर 2 का 3, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देख सकते हो. अदर देन दैट, चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 भी कवर कर दिया है. या फिर इनके अलावा इफ यू वांट कि मैम ये चैप्टर पढ़ाओ, आई हैव प्रॉब्लम इन दिस, यू कैन सजेस्ट इट. यू कैन सजेस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, इट इज ओपन फॉर यू ऑल. एंड क्लास, यस वी विल बी लर्निंग इन अ वेरी वेरी फन वे. एंड ये फन तभी होगा जब आप क्या होंगे, अटेंटिव, राइट? जब आप सब क्या होंगे, अटेंटिव, तभी ये क्या बनेगा, फन बनेगा. And हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ये आप सबको पता है, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. दिस इज द लवली पार्ट ऑफ साइंस. ओके क्लास, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. एज यू ऑल नो, बट यू नो द स्टूडेंट्स हु जस्ट जॉइंड, हु आर न्यू, सो क्लास, आई एम रश्मि यादव एंड आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज फ्रॉम वुमेन. And you know, I currently I am a TGT teacher, and in an academy I am from K-12 category. And class, I taught many students on both the platform, that is online and offline. So here I am to teach you all and to make you all masters of science. Right? यहाँ से यहाँ आएंगे हम सब. Right? Okay. So class, yes, you can ace your school. This word is really important. You know, it's you are really lucky. This An Academy, it's one of the best and you know biggest platforms, biggest study platform. And why I'm saying this, you will get top educators, you will be learning under them,
ठीक है, टॉप एजुकेटर्स आपको सिखाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। पूरा टाइम तो यही दिमाग में रहता है कि नोट्स बनाने नोट्स बनाने, एग्जाम आने वाले, ठीक है, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। सो क्लास व्हाट यू कैन डू इज यू नो यू विल बी जस्ट डाउनलोडिंग द ऐप अनअकैडमी लर्नर्स ऐप। इट इज इजीली अवेलेबल इन द प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आप वहां पर जाके जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पूछा जाएगा। यू कैन यूज दिस कोड, दिस ऑफर गोइंग ऑन, ये आप कोड यूज कर सकते हो RAY10, आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। क्लास दिस इज योर बेनिफिट, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो YouTube पे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन YouTube एंड यू नो व्हाई यू नीड टू टेक सब्सक्रिप्शन। योर फोकस एरिया विल बी इंक्रीज्ड, आपको गाइडेंस गाइडेंस के लिए कर रहे होते हैं। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप ना ट्यूशन ले लो, ट्यूशन आप सबके साथ लोगे या फिर आप पर्सनल ट्यूटर लोगे? पर्सनल ट्यूटर, व्हाई? बिकॉज वहां पर आपको गाइडेंस अच्छी मिल रही है, फोकस आपका ज्यादा है, राइट। सो क्लास किस चीज की दे रही, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, राइट। सो गो क्विकली आफ्टर दिस सेशन, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप एंड जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन। तो आपके लिए ही अ लिटिल है, आई विल टेल यू द लिस्ट, दिस कैन यू सी ओवर हियर, क्लास 9 10 11 एंड 12। सो दिस इज द सब्सक्रिप्शन पिच। सो क्लास दिस इज अ टू लिस्ट, नंबर वन लिस्ट एंड टू लिस्ट। यू कैन सी कुछ मतलब मनी में डिफरेंस आ रहा है। सो क्लास क्यों डिफरेंस है, आप ये जो मैं अभी बोल रही थी, ये जो ऑफर चल रहा है RAY10, अगर आप ये यूज करते हो, सो अगर फॉर एग्जाम्पल आप 48 मंथ का लेते हो, सो यहाँ पर यू आर पेइंग 833 पर मंथ और यहाँ पर यू आर पेइंग 750 पर मंथ, हो गया ना कम जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड, ठीक है। आई विल रिकमेंड यू टू टेक, यू नो बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी यू कैन टेक, बट आई विल रिकमेंड कि आप 48 मंथ का लो, क्योंकि आप यहाँ पर देखो अगर आप 3 मंथ का भी लेते हो तो आप एक यू नो ओनली इन अ मंथ आप इतना स्पेंड कर दोगे, जबकि यहाँ पर यू विल बी जस्ट पेइंग 833, नॉट इवन दैट, 10% ऑफ, तब कितना हो गया 750 पर मंथ, दैट्स इट। सो क्लास किसी केस की देरी नहीं है, गो एंड 67% ऑफ, टेक इट। इफ यू वांट टू टेक फॉर 48 मंथ दैट विल बी ग्रेट, नहीं लेना 36 मंथ 24 मंथ, सो दिस इज बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी, ठीक है, ओके। सो क्लास यू नो व्हाई आई एम आस्किंग यू टू टेक सब्सक्रिप्शन, दीज आर सम फीचर्स, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे मैम हम तो यूट्यूब भी तो पढ़ रहे हैं तो हम सब्सक्रिप्शन क्यों ले, है ना। तो ये ना मेरे भी दिमाग में था कि क्यों लेना चाहिए, बट मैंने जब ये देखा ना सब्सक्रिप्शन पेज, मैंने ये पिच भी देखा, अरे 750 इतने का तो खाना ही मैं यू नो पार्टी कर करके खत्म कर देते, तो क्यों ना हम थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट अगर यहाँ कर दें तो हम यहाँ से यहाँ आने की ज्यादा चांसेस हैं, सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इट। फिर मैंने देखे यहाँ पर कुछ फीचर्स भी हैं, तभी मेरे को सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत मन करा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो यू विल बी लर्निंग एट योर होम, कंफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कंफर्ट, आप अपने घर पे बैठ के क्लासेस ले सकते हो एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ कोर्स, कोई मर्जी कोर्स लेना है, एक बार सब्सक्रिप्शन आप लो, आपके पास जो मर्जी आपको कोर्स लेना है दैट विल बी अनलिमिटेड, यू कैन टेक इट। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, हाँ, एंड आपके रेगुलर डाउट सेशंस होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास। अभी YouTube पे क्या होता है, YouTube पे आप क्लासेस लगा रहे हो, आप सुन रहे हो, लेकिन डाउट तो रह रहे हैं ना, डाउट यहाँ पर अनअकैडमी क्लियर करता है। आपके जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो हर एक बच्चे पे गाइडेंस होती है एंड वो एजुकेटर्स आपको पूरा हेल्प करते हैं थ्रू आउट योर टेन्योर, ठीक है, ओके। फुल कवरेज ऑफ सिलेबस आपका पूरा कवरेज होगा, ऐसे डरना नहीं कि मैम अभी तो हम यही चैप्टर कर रहे हैं वो कब करेंगे, पूरा कवर होगा आपका सिलेबस बहुत अच्छे से बहुत डीपली, और गाइडेंस होगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, ये जो मैं बात कर रही थी नोट्स के बारे में, तो स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे। क्लास आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है कि गूगल कर रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सीधा आपको हम काम करके देंगे, ठीक है, हम डाउट क्लियर करेंगे आपका, हम ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, आपको स्टडी मटेरियल देंगे, आपको जस्ट आना है, दैट्स इट। लाइव टेस्ट सीरीज होंगे, राइट। सो दीज आर दी सच अ ग्रेट फीचर्स,
So up definitely now after seeing these features, it's on you to, you know, whether you want to take a subscription, whether you need to be focused toward your studies or not. Okay, so humne, these are some iconic subscription. For example, personal mentor. So personal, so it will be a personal guidance ki, you know, if that will be great. Agar hamara personal guidance hota hai, teacher aapki weakness and strength bahut acche se janta hai, right? So aapke zyada improvement hone ki chances hai. Live doubt solving hoga, weekly report. This is also really important. Bacche test to dete rehte hain lekin report nahi mil rahi hai, kahan kam ho rahe hain, kahan zyada ho rahe hain. Weekly reports will be provided. Parent contact. So basically, you know, if you are studying at your home, so it's really important for teacher also and for parents also to connect with each other, right? ऐसा तो नहीं है कि अभी आपको पढ़ने का टाइम है एंड आप साइमल्टेनियसली घर में कहीं और इंडल्ज हो. सो दैट्स वाई पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट होते हैं कि ये स्टडी मटेरियल है, ऐसा हमारा प्रोसीजर होगा. एंड पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता है कि ये यू नो बच्चा ऐसे काम करने वाला है, तो बीच में कोई हर्डल नहीं आएगा. ठीक है, स्टडी प्लानर होगा, फुल टाइम टेबल आपका हम ही सेट करके देंगे इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. एंड आपको बस सब्सक्रिप्शन लेना है और इन सारे बेनिफिट्स को उठाओ. व्हाई नॉट टू अवेल इट, राइट? आपको YouTube पे ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. आप आओ, क्लासेस लो एंड आप जा रहे हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो, दैट विल बी हेल्पिंग यू, विल बी इंक्रीजिंग द फोकस एरिया ऑफ योर्स, राइट? ओके, सो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल. क्लास हम डिस्कस कर रहे थे, क्या होता है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग फ्रॉम द ऑर, राइट? सो गैंग एंड ऑर क्या है मैम? ये रेड कलर में मैंने जो लिखे हैं दो वर्ड्स. ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना देती हूँ एक बीकर. यू नो केमिस्ट्री में बहुत फेमस होता है बीकर, टेस्ट ट्यूब्स. ओके, मैंने बना दी एक बीकर एंड बीकर में मैंने डालते बहुत ही शुद्ध पानी. ठीक है, शुद्ध था, प्योर पानी. ठीक है, बहुत ही अच्छा अच्छा पानी डाल दिया. उसमें मैंने क्या ऐड किया? मैंने बोला इतना अच्छा, चलो मत डाल देते इसके अंदर, मत डाल दिया. क्या डाल दी मैंने? इम्प्योरिटीज डाल दी. डाल दी इम्प्योरिटीज. सो हम इम्प्योरिटीज को गैंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, और ये जो पहले जो पानी था, साफ पानी था, उसको हम क्या बोलेंगे? और. तो गंदे पानी को हम मड बोल, जो मड है उसे इम्प्योरिटीज है, दैट इज गैंग. और जो अच्छा पानी है उसको हम क्या बोल रहे हैं? और, राइट? तो आप यहाँ पर सब देख सकते हो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लियर इट. या आप यहाँ पर देख सकते हो गैंग क्या है? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ऑर. दिस इज ऑर. वॉटर इज द ऑर. इम्प्योरिटीज मड, दैट इज इम्प्योरिटीज. और क्या है? द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी सेपरेटेड. फॉर एग्जाम्पल हम मड नहीं लेते, हम लेते हैं कोई मेटल, राइट? हमने यहाँ पर कुछ मटेरियल डाल दिया और हमने क्या डाला? मेटल. हमने यहाँ पर डाल दिया मेटल. हमने मेटल सेपरेट करना, एक हमारे मिनरल, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी सेपरेटेड. एक मिनरल है हमारे पास, कोई भी मान लो सॉयल है. ठीक है, हमें मेटल सेपरेट करना है. तो जस्ट यही प्रोसेस है क्लास, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब. एक गैंग और एक ओर, दोनों को क्या करना है? सेपरेट करना है. ठीक है, सेपरेट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर. हम क्लास ये सारे कुछ प्रोसेसेस हैं 1 to 10. हम फिल्ट्रेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एंड क्लास आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सारे प्रोसेसेस ना हम डे टू डे लाइफ में देख चुके हैं. जब डे टू डे लाइफ में हम देख चुके हैं तो लर्न करने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है ना. प्रॉब्लम हम बिल्कुल फेस नहीं करने वाले, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में जब देख ही चुके हैं तो याद तो हमें यू होगा, राइट? फिल्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है. आप अपने यू नो मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हो, दैट इज ऑन फिल्ट्रेशन. बहुत अच्छे से हमने एक्सपेरिमेंट से करा था. मैग्नेटिक सेपरेशन आज हम फोकस करेंगे. एंड क्लास हम ये देखेंगे दैट यू नो आप ये जैसे सब्लिमेशन हो गया, सेपरेटिंग फनल हो गया, इवेपोरेशन, बहुत कॉमन वर्ड्स है ये, राइट? लेकिन हम ये कैसे होता है, कौन से सब्सटेंस को हम अलग करने के लिए, गैंग एंड ओर को अलग करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने फिल्ट्रेशन में बताया था कि यू हैव वन फनल और यू विल बी मेकिंग अ फनल शेप, यू नो एनी फनल शेप बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर, इधर टिश्यू पेपर, इधर एनी पेपर, राइट? सो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल पुट दिस पेपर इनटू दिस फनल. सो आपका फनल कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ फनल आ जाएगा, राइट?
अंडर इट यू विल बी पुटिंग अ बीकर, यू विल बी पुटिंग अ बीकर. ओके, ये थोड़ा सा अजीब बन गया है, गिव मी अ सेकंड. या सो या तो यहां पर हमने बनाया है एक बीकर. ओके, भाड़ में जाए. बीकर बन गया है. तो हमारा क्या हुआ, ये हमने यहां ऐड किया सॉयल. हमने क्या ऐड किया, सॉयल. सो क्या होगा, सॉयल हमारी इसके अंदर रह जाएगी और हमारा अच्छा अच्छा पानी नीचे आ जाएगा. सो यहां पर होगा हमारा क्लीन वाटर और यहां जो होगी हमारी पूरी हो जाएगी सॉयल. इम्प्योरिटीज गैंग, राइट. सो हो गए सेपरेट, मड अलग पानी अलग. लेकिन मैं अगर ऑयल बोलूं, ऑयल है आपके पास और प्लस वाटर है, क्या अलग हो जाएंगे ये इस प्रोसेस से? नहीं मैम, ऑयल भी बिल्कुल पानी की तरह है, वो भी इसी के साथ ही निकल जाएगा. ठीक है, कुछ तो चला ही जाएगा, कुछ यहाँ पर थोड़े से लग जाएगा ऑयल, लेकिन सारे ऑयल कुछ नीचे भी चला जाएगा, क्लीन वाटर नहीं मिलेगा. ठीक है, सो तब हमारा ये प्रोसेस नहीं लग रहा है, तब हमारा कोई और प्रोसेस लगेगा. इसीलिए हम आफ्टर, जब मैं ये सारे प्रोसेसेस कर लूंगी ना, क्लास 1, 2, 3 जितने भी साइड 10 प्रोसेसेस, आप A to Z चीजें अपने आसपास देखना और सोचना कि इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं. ओके, सो क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओके, वी कैन स्टार्ट अ क्लास. मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है एंड एवरीथिंग, वी कैन स्टार्ट इट. ओके ओके क्लास, सो दुनिया के सबसे बड़े 2 क्वेश्चन, दैट वेयर डू वी गेट मेटल्स फ्रॉम एंड हाउ डू वी गेट प्योर मेटल. प्योर कैसे हमें प्योर मेटल मिलेगा, हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं क्या प्योर है क्या इम्प्योर है. मेटल की भी बात करें तो मेटल हमें प्योर कैसे मिलेगा, चलो प्योर की तो बाद में बात, हमें पहले आप ये बताओ मेटल मिलेगा कहाँ से. ओके क्लास, आप थोड़ा सा पिक्चर से आप गेस कर सकते हो, थोड़ा सा हिंट ले सकते हो. सॉयल, यस सॉयल इज यू नो वन सोर्स, आप सॉयल से आप मेटल ले सकते हो. अच्छा, यहाँ पर सारे बच्चे हार्डवर्किंग है, बहुत हार्डवर्किंग है मैम. हाँ बताओ, होमवर्क बताओ भी करते हैं हम सारे, बहुत हार्डवर्किंग है आई गेस, है ना. ओके सो क्लास, अगर मैं आपको बोलूं आप बहुत हार्डवर्किंग हो, तो यहाँ पर ये जो सॉयल है इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इस सॉयल से मेटल निकालो, हैंड पिक कर सकते हो आप. चलो मेटल निकालने बैठते हैं, हार्डवर्किंग हो ना आप, तो निकालो. सो क्लास, यस हम हार्डवर्किंग तो है लेकिन हम स्मार्ट वर्क भी करेंगे, राइट. स्मार्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइफ में. ओके सो बेसिकली, ये इतनी ज्यादा मिट्टी, माय गॉड, दुनिया में इतनी ज्यादा मिट्टी है, कैसे इतने मेटल हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, यू करेंगे, कैसे करेंगे, यू. साइंस ऐसे होती है, ठीक है. ओके क्लास, सो हम बहुत ही इजीली इसमें मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. कैसे, आप यू नो आई गिव इंट्रोडक्शन इनिशियली ऑल्सो, लेकिन इट्स ओके अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा है कि हम कैसे करेंगे. हम अभी देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनकी मदद से इनको यहाँ से सॉयल से मेटल हम कैसे निकाल सकते, नॉट इवन सॉयल, किसी और मटेरियल से हम मेटल बहुत आराम से निकाल सकते हैं. आपको कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे आपके मेटल हाथ में, सारे मेटल एक तरफ और आपकी इम्प्योरिटीज जो और है वो एक तरफ, ज्ञान एक तरफ. देखते हैं कैसे. आज दुनिया के जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कि मेटल, जो प्योर मेटल कहाँ से लेके आएंगे, मैम आंसर आपके सामने है, मैग्नेटिक सेपरेशन. मैम थोड़ा सा समझ आ रहा है मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है. मैग्नेटिक, मैग्नेट, बचपन में आई एम श्योर सबने मैग्नेट से खेला होगा, राइट. क्योंकि मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी ही ऐसी है. क्या प्रॉपर्टी है, आई हैव 2 मैग्नेट्स, मेरे पास 2 मैग्नेट है, ठीक है. अभी क्या प्रॉपर्टी है, टू अट्रैक्ट ईच अदर कर रहे हैं. ये मेरे पास एक मैग्नेट है और मैं इसको अभी ऊपर से भी अगर मैं छोड़ूंगी तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे, हो गया अट्रैक्ट. तो ये एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है. चलो ये दो तो हुए मेरे मैग्नेट और मैग्नेट, ये बॉबी पिन है, ये किसकी बनी होती है, आयरन की, आयरन की. आयरन का हमारा कैसे हम क्या लिखते हैं, केमिकल ऐसे लिखे एलिमेंट क्या लिखते हैं, Fe, दिस इज आयरन, ठीक है, Fe. सो क्लास, ये आयरन की बनी है, क्या करेगा, ये जो मैग्नेट है आयरन को अट्रैक्ट करता है. सो ये लो, हो गया मैजिक. मैम मैजिक, आयरन हवा में घूम रहा है, नो मैजिक कुछ भी नहीं होता है क्लास, मैजिक के पीछे साइंस है.
आप बस कॉन्सेप्ट समझते जाओ, आप सारे मैजिक सॉल्व कर दोगे। ठीक है, सो क्लास आप अभी यहाँ से हल्का सा गेस कर सकते हो कि मैं अभी क्या बताने वाली हूँ, दैट मैग्नेटिक सेपरेशन का क्या मतलब है। ओवर हियर, लुक ओवर हियर, दिस मेथड यूजेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट इज अट्रैक्शन, जो अट्रैक्ट कर रहा है, ऑफ ईदर द गैंग जो इम्प्योरिटीज है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो भी इम्प्योरिटीज हम लेंगे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए अट्रैक्शन की, इधर जो और है उसमें होनी चाहिए, किसी भी एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग दिस मैग्नेट हम बहुत आराम से उनको अलग कर देंगे दोनों सब्सटेंस को। ठीक है, अब जैसे हमारे पास इतनी सारी सॉयल थी, राइट, कितनी सारी सॉयल थी, तो वही बात है, सॉयल के अंदर कुछ जो गैंग है, कुछ जो इम्प्योरिटीज है, उसमें कुछ तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी ना, छोटे छोटे पार्टिकल, कुछ तो होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो हम यही मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज करेंगे एंड हम उसको बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तो समझ आ गया, राइट, लेकिन इसको अच्छे से हम देखते हैं कि क्या हमारा इसका मतलब है। ओके क्लास, नाउ हैव अ लुक कि यहाँ पर आप क्या करोगे, एक पेपर प्लेट लोगे, ठीक है, प्लास्टिक अवॉइड करो, टेक अ पेपर प्लेट, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया सॉल्ट, सॉरी सॉल्ट ऐड कर दिया, और हमने क्या ऐड करा, आयरन फिलिंग्स, छोटे छोटे आयरन की ना हमने फिलिंग्स, ऐसे छोटे छोटे आयरन ही है, ठीक है तो आयरन, तो आप अगर गूगल भी करोगे यू विल बी इजीली एबल टू सी क्या हमने ऐड किया, आयरन फिलिंग्स। सो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आयरन हो गया एंड हमारे पास हो गया सॉल्ट। कैन यू सी ओवर हियर मैग्नेट, हमने मैग्नेट लिया, सारे आयरन फिलिंग एक साथ हो गए, वाओ सो इजी, राइट, हमने हैंड पिक तो नहीं किया, हमने ऐसे तो नहीं किया कि चलो अब तो बहुत काम बढ़ गया है, चलो अब हम आयरन अलग अलग करते हैं हाथ से, रात हो जाएगी, नहीं कर सकते। ठीक है, सोल्ट भी इतने माइनर पार्टिकल्स हैं, आयरन भी बहुत ही छोटा पार्टिकल है, तो सेम अगेन अगर हम देखें, सो हैव अ लुक, हमने क्या किया, सॉल्ट ऐड किया, आप घर पे ट्राई करो, सॉल्ट ऐड करो, उसमें ये जो ब्लैक ब्लैक ऐड किया है ये है आयरन फिलिंग्स, कर दो इसको अच्छे से, कर दो मिक्स, ये बिल्कुल भी हम सेपरेट नहीं कर पाए, कर दो इसको बहुत अच्छे से मिक्स, ये देखो है ना, ये कोई भी स्टिक लेके आप इसको मिक्स कर सकते हो, स्पून से भी कर सकते हो, तो पूरा अच्छे से आपने कर दिया मिक्स। अब आप तो ऐसे हो कि मैम इसमें तो पूरी रात निकल जाएगी सेपरेट करने में, बट नो, मैग्नेटिक सेपरेशन हम ऐसी नहीं कर रहे हैं, ये देखो ये हमारे पास मैग्नेट है और ये मैग्नेट क्या कर रहा है, सारे आयरन फिलिंग को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, राइट, आयरन अट्रैक्ट करता है हमारे मेटल के, हमारे मैग्नेट के, तो ये देखो मैग्नेट को सारा आयरन ने अट्रैक्ट कर लिया, तो आपके गैंग जो है वो एक तरफ, ये जो गैंग था आपका एक तरफ, और ये जितने भी आपके ओर से दैट इज सॉल्ट वो एक तरफ, हो गया सेपरेट, आ गया समझ, यही होता है क्लास मैग्नेटिक सेपरेशन, हो गया ये मैम, यही था, यस यही था मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, ये तो हमने एक एग्जाम्पल देखा क्लास, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपने, ये तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, ये आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अदर देन दैट हैव अ लुक अवे फॉर इफ और गैंग पार्टिकल आर हैविंग मैग्नेटिक नेचर देन इट इज कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, सॉल्ट था एंड प्लस में हमारे पास आयरन फिलिंग्स थी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो था आयरन फिलिंग, इसके पास क्या था, मैग्नेटिक नेचर था, अट्रैक्ट होने का प्रॉपर्टी थी। सो क्या होगा, तब ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर, गैंग और ओर को अलग करना, यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सो वो हम कर सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट फिजिकल सेपरेशन टेक्निक। मैग्नेटिक सेपरेशन इन विच सेपरेटिंग कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग मैग्नेट्स टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स और मैग्नेटिकली सस्पेक्टिकल पार्टिकल और बॉडी आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक
पार्टिकल्स। सो क्लास ये जो नोट्स है ये आप लिख सकते हो, आपको जब क्लासेस में आपको एग्जाम में आएगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताओ कैसे होगा मैग्नेटिक सेपरेशन उसके बारे में, तो आप ये हल्का सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि मैग्नेटिक सेपरेशन जो है बहुत ही कॉमन है और इम्पॉर्टेंट है फिजिकल सेपरेशन। ये हमारा क्या एक इसमें मैग्नेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारे एक मैग्नेटिक मटीरियल को और एक नॉन मैग्नेटिक मटीरियल को अलग करता है, ये आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो। जैसे कि फिर आप एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे कि रिमूविंग आयरन बियरिंग मटेरियल, यहां पर हमने आयरन फिलिंग ली थी, कोई बियरिंग मटेरियल लाइक सिलिका सैंड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, सो दिस इज वन यू नो एग्जांपल। रिकवरिंग एल्यूमिनियम कैन फ्रॉम हाउस होल्ड वेस्ट, सो क्लास यही प्रोसेस यूज हो रहा है इन दोनों एग्जांपल्स में, ठीक है। सो देखो हम डे टू डे लाइफ में इसको प्रोसेस आपने देखा होगा लेकिन नाम नहीं पता होगा, सो दिस इज मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, सो ये एक मैग्नेटिक मशीन होती है हमारे पास, मैग्नेटिक मशीन यहाँ आप देख सकते हो ये मशीन, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास ब्लैक यू नो ब्लू एंड रेड में कुछ कुछ तो घूम रहा है, राइट हम देखते हैं मैग्नेटिक मशीन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आप इंट्रोडक्शन दे दो, इंट्रोडक्शन के बाद यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, इस डायग्राम को ड्रॉ कर दो, उसको आप लेबल करना, लेबल करना इज रियली इंपॉर्टेंट क्लास, लेबल इट। सो देखो मेन पार्ट क्या है, टू मेन पार्ट्स, आयरन रोलर एंड द कन्वेयर बेल्ट मूविंग कॉन्टिन्यूसली अराउंड देम। तो ये क्या है हमारे पास, आयरन रोलर है, ये दोनों जो है ये क्या है हमारे पास, रोलर है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारे पास है रोलर, ठीक है ओके। और हमारे पास एक है बेल्ट, ये क्या है बेल्ट, ये बेल्ट क्या घूम रही है, ये बेल्ट यहाँ से ऐसे आ रही है और ये घूमती हुई ऐसे जा रही है, ये बस घूमी जा रही है। आपने ट्रेडमिल देखा होगा, ट्रेडमिल में भी तो यही होता है, ऊपर से जा रहा है नीचे से ऐसे ऐसे घूमता है ना दैट बेल्ट, यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ से बेल्ट आ रही है एंड ये पूरा सर्कल क्रॉस करती हुई, फिर वो पूरा सर्कल क्रॉस करती हुई ऊपर देन नीचे, ये क्या है बेल्ट है, यू कैन राइट कन्वेयर बेल्ट ऑल्सो, ठीक है। टू रोलर है, मैंने तो यहाँ नॉर्मल रोलर लिखती है बट देयर इज अ डिफरेंस, दोनों रोलर में डिफरेंस है, एक जो रोलर है दैट इज नॉन मैग्नेटिक और एक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये जो रोलर है ना क्लास ये है नॉन मैग्नेटिक, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ आपको याद रहेगा, दिख जाएगा आपको अच्छे से, तो ये है क्या नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। Why? अभी मैं आपको बताऊंगी मैंने यही आपका यही वाला जो सर्कल है नॉन मैग्नेटिक क्यों लिया है, ठीक है ओके। अब हम दूसरा एक ले लेते हैं, जैसे ये वाला जो है इसको हमने ले लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सो हम यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो अब हमने यही ये वाला जो सर्कल है यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों लिया है क्लास, और जो कन्वेयर बेल्ट है ये जो बेल्ट जा रही है इसके ऊपर और ये पूरा क्रॉस करती हुई नीचे से जो बेल्ट आ रही है ये भी एक नॉन मैग्नेटिक है, मतलब नॉन मैग्नेटिक का मतलब अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक लेदर की बनी हुई है और ब्रास की बनी हुई है। क्लास आप कोई भी आपके पास लेदर बेल्ट होगी या लेदर जैकेट होगी आप उसके साथ कोई भी चीज अट्रैक्ट करो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसके पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, राइट ओके। टू कलेक्टर्स हैं, वन कलेक्टर ओवर हियर एंड अनदर कलेक्टर ओवर हियर आर प्लेस बिलो द मैग्नेटिक रोलर, ये एक मैग्नेटिक रोलर है उसी के ही नीचे हमने दो रोलर्स दो हमने कलेक्टर्स रखे हैं, एक मैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्यों हमने एक मैग्नेटिक का नाम दे रखा है, क्यों नॉन मैग्नेटिक का नाम दे रखा है ये अभी हम देखेंगे ओके। सो क्लास कैन यू सी ओवर हियर, जस्ट हैव अ लुक, जो आपके ब्लू कलर के जितने भी आपके ब्लू कलर के हैं पार्टिकल वो है नॉन मैग्नेटिक, जो भी आपके रेड कलर के पार्टिकल्स हैं वो है मैग्नेटिक, मतलब उनके पास क्या है अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक है। और मैम आपने तो बोला था ये जो है ना ये वाला जो सर्कल है ये भी क्या है मैग्नेटिक, तो क्या होगा, बहुत ही ना चालाकी से काम चल रहा है यहाँ पर। देखो क्या हो रहा है, आपके यहाँ से फीडर से हमने कुछ पार्टिकल्स डाली, ये फीडर है यू नो आगे पास करेगा सारी चीजें सारे पार्टिकल्स। सो क्या हो रहा है, आपने यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक कुछ मैग्नेटिक और कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दिए फीड करे ओके,
ये क्या है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक यू नो दिस रोलर है, क्या करेगा, मैग्नेटिक रोलर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक मैग्नेटिक रोलर है, इसके ऊपर से कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, ये तो मेरा अभी हैंड मोटा है, यहाँ है कन्वेयर है, यू नो दैट बेल्ट, लेदर बेल्ट इससे पतली होगी, राइट, और शीट होगी वो और पतली होगी। सो अगर इसके ऊपर हमारे पास आयरन का कुछ सामान जा रहा है, क्या करेगा, आयरन चिपका लिया, फॉर एग्जाम्पल इसके बीच में पतली सी शीट है, क्या किया, चिपका लिया, ठीक है, ओके। अब वो कन्वेयर बेल्ट नीचे भी जाएगी, मूव कर रही है, नीचे भी जाएगी, देखो ये अभी तक चिपका हुआ है, ठीक है, लेकिन जब ये आयरन बेल्ट को आगे क्रॉस कर देगा, अब ये गिर जाएगा, यही हो रहा है, यही हो रहा है यहाँ पर क्लास। यहां से फीडर ने दिया हमारे, अब यू नो आई हैव टू हैंड, तो अभी मेरे पास नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स नहीं दिखा पा रही हूँ, ये अगर मैग्नेटिक पार्टिकल, ये जो आयरन का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये आया फीडर से, ये अभी तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आया, ये जो है, ये जो सर्कल है, ये है नॉन मैग्नेटिक, तो ये तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक। अगर तभी हमने इसको मैग्नेटिक रखा है, इसको नॉन मैग्नेटिक रखा, अगर यही मैग्नेटिक होता तो यही अटक जाते, फिर वो कैसे आते, ठीक है। तो क्लास ये यहां से आया फीडर से, नॉन मैग्नेटिक पे तो अटैक नहीं करेगा, ये चलता गया, ये आया और ये हो गया अट्रैक्ट, राइट। अब ये और आगे कन्वेयर बेल्ट चलती जाएगी, अब कन्वेयर बेल्ट नीचे घूमेगी, तो ये अभी भी है, देखो मेरा दूसरा हैंड यहाँ पर है, और ओके ये अब नीचे से घूम रही है कन्वेयर बेल्ट, एंड नीचे से घूमती हुई ये कन्वेयर बेल्ट आगे आगे जा रही है, अभी तक अट्रैक्ट है, यहां से जितने भी नॉन पार्टिकल, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल आए, वो यहीं गिर गए, गिर रहे हैं, देख पा रहे हो यहाँ पर ब्लू कलर के पार्टिकल कैसे गिरते हुए जा रहे हैं, लेकिन रेड कलर के पार्टिकल अट्रैक्ट है यहाँ पर भी, और फिर वो जब यहाँ आ रहे हैं, जब उसकी अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म होगी, तब वो गिर रहे हैं, है ना। सो वही हो रहा है, ये अभी आगे मूव करा 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 करा, जैसे ही कन्वे, यहाँ इसके पास प्रॉपर्टी खत्म हो गई, कितना बड़ा मैग्नेट है तब भी प्रॉपर्टी हो गई खत्म, क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो हमारे क्या हो गए, दो बीकर में सेपरेट हो गए मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मैम सेपरेट हो गए, हमारे पास सब चीज पता चल गई है, अब हम नहीं करेंगे कोई भी मिस्टेक, ठीक है। सो हमारे पास पता चल गया मैम, हमारे पास एक फीडर है और हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है जो ऐसे मूव कर रही है, एक हमारे पास नॉन मैग्नेटिक है रोलर है और एक हमारे पास मैग्नेटिक रोलर है, और ये जो हमारे पास एक जो रेड कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल ब्लू कलर में है। मैग्नेटिक रोलर के अंदर हमने दो हमने बीकर रखे हैं, कलेक्टर रखे हैं, एक है मैग्नेटिक एक है नॉन मैग्नेटिक। सो यही जो हमारा ये जो सर्कल है मैग्नेटिक रोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, क्योंकि सारे मैग्नेट्स यहाँ पर जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर अट्रैक्ट रहेंगे अट्रैक्ट रहेंगे अट्रैक्ट रहेंगे अट्रैक्ट रहेंगे अट्रैक्ट रहेंगे, यहाँ पर गिर जाएंगे नीचे, राइट, बाकी नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल आते आते यहाँ से गिर जाएंगे। सो यही हो गया सेपरेशन, आपने हाथ भी नहीं लगाया और आपके सारे पार्टिकल्स हो गए सेपरेट, गैंग और हो गया सेपरेट, ठीक है क्लास, ओके। नाउ अभी हमने तो देख लिया ये वर्किंग प्रोसेस, अभी हम एक बार हमने पूरे पार्ट्स देख लिए, वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ क्लास साथ में, सो आप इनको लिख सकते हो, आपके एग्जाम में ये मदद करेंगे बहुत ज्यादा। अब पाउडर्ड और इज पोर्ड ऑन द कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, यहाँ देखो ये मेरे पास वही वही है, ये फीडर है, फीडर है, यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट घूम रही है इसके ऊपर, ठीक है, और ये मैग्नेटिक रोलर है, और ये आपके पास जो है ये आपके पास नॉन मैग्नेटिक रोलर है और दो कलेक्टर्स है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पाउडर्ड ओर डाला आपने कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट इन द ओर आर सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक नेचर, इसी पे ही डिपेंड करेंगे और इसी से ही सेपरेट होंगे, राइट। जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफ दी ओर स्टिक टू दी मैग्नेटिक ओर रोलर, राइट, इस पे स्टिक रहेंगे, राइट, एंड फॉल्स इन दी वेसल प्लेस नियर इट, तो यहाँ पर जब इनका हट जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, इन पे इनमें गिर जाएंगे, और कि जहां भी गिरेंगे उसके पास जो भी वेसल रखा होगा उससे गिर जाएंगे। नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट गेट फॉल यू नो गेट फर्दर कैरिड अवे एंड फॉल इन दी वेसल प्लेस अवे फ्रॉम दी मैग्नेटिक रोलर। सो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक रोलर है, ये जो दूर रखा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही नीचे पास में उसके, ये जो दूर रखा हुआ है ये सीधा ही आगे आके गिरते रहेंगे। सो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट एंड मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स, ये ऐसे हमारे
सेपरेट हो जाएंगे। ये वर्किंग प्रिंसिपल है। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने पार्ट्स भी देख लिए, और हमने एक्सपेरिमेंट करके भी बहुत ही डीपली पढ़ा है कि हमारा पूरा वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है, क्या मैग्नेटिक सेपरेशन है, राइट? आप घर पे ट्राई करना, ठीक है क्लास, कि कैसे आपका मैग्नेटिक सेपरेशन होना है। और आपको कुछ नहीं याद करना, बस ये है आपने एक पाउडर और डाला एंड वो आपको बस मैग्नेटिक नेचर से काम कर रहा है। आप बस बैठे हो ऐसे हाथ पे हाथ रख के और प्रोसेस हो गया, प्रोसेस डन हो गया, काम चुटकियों में काम, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो है ही, करना ही करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है? ओके, सो क्लास, नाउ इफ यू हैव एनी कमेंट, यू नो, इफ यू वॉन्ट मी टू टीच एनी अदर टॉपिक, अभी तो हम ये सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे, सारे प्रोसेसेस हम एक एक पढ़ेंगे, इतना ऐसे कोई जल्दी नहीं है। आज हमने मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में पढ़ा, इससे पहले हमने फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। सो अगर कोई भी माइनर डाउट है ना क्लास, आस्क इट, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, यू कैन आस्क। एंड इफ यू रियली लाइक दिस सेशन क्लास, सो प्लीज लाइक दिस चैनल, बिकॉज ये दैट रियली हेल्प एंड मोटिवेट मी फॉर यू नो टू मेक अ वीडियो एंड टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड टू हेल्प यू ऑल, राइट? सो यू ऑल कैन लाइक दिस चैनल एंड यस क्लास, यू ऑल कैन शेयर इट, यू नो जस्ट हेल्प एवरी वन बाय दिस शेयरिंग थिंग। सो यू कैन शेयर एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। वाई टू सब्सक्राइब? Because you know, we will be having a live sessions. So I don't want, you know, not even a live. So basically, if my any class is coming, my rose 5 o'clock class hoti hai, but agar kabhi aur schedule hoti hai aur aap miss aapki ho jayegi agar aapka subscription nahi hai, so aap yaad se subscription bhi kar lo isko and aap share karo and like karo. And class ke basi khatam hone pe hi just go and download the Unacademy Learners app and use this code RAY10 और आपको flat 10% off मिलने वाला है, so why not to avail it? So hurry it up and take it. So class, I hope now you really like this session, and any doubt you can ask in the comment box. Okay class, for the timing, see you soon, and thank you for everyone to join. Thank you and let's crack it.